equal to मान लेंगे y equal to x square plus 1 y is equal to x plus 1 x equal to 2 y 0 से बड़ा है x 0 से बड़ा है यानी कि पहले क्वाड्रेंट में ही होगा ध्यान रखना जब हम कोई पैराबोला बनाते हैं ना ऐसे x square equal to 4ay ये इसको ऐसे लिख सकते हैं x minus 0 का square 4a into y minus 0 ये जो पोजीशन होगा अपॉन पैराबोला ये उसके वर्टेक्स की पोजीशन होगी यानी कि ये 0 0 से ओपन होगा 0 0 से ओपन होगा लेकिन अगर इसको देखेंगे तो इसको वैसे लिख सकते हैं y minus 1 equal to x square और इसको लिख सकते हैं y minus 1 x minus 0 का square ये भी अपॉन पैराबोला होगा कि कहां से ओपन होगा x तो 0 है और y 1 है तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा यहां इस एक्सिस पे आ जाएगा और ये इसके वर्टेक्स यहां आ जाएंगे 0 कॉमा आ गया अब इसके बाद ये तो लाइन है ये लाइन कैसे बनाएंगे जैसे 10th क्लास में आप बनाते थे पहले रख टेबल बना लीजिए x को 0 डाला y 1 y को 0 डाला x minus 1 यानी कि ये जो लाइन है ये कुछ है ऐसे जाएगी इस पॉइंट से पास होती है माइनस 1 कॉमा 0 और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे देखिए ये लाइन कहां इंटरसेक्ट कर रही है देख ले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा इधर ही देख लो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भाई y is equal to x square plus 1 है और y is equal to x plus 1 दोनों को इक्वेट कर लो 1 से 1 कट गया x square minus x equal to 0 या तो x 0 आएगा या 1 आएगा अच्छा आप एक बात समझ लीजिएगा जब x 0 है तो y 1 है तो देखो एक तो इंटरसेक्शन आई रखा 0 को 1 दूसरा जब x 1 है तो y 2 यानी ये पॉइंट कितना आया 1 1 ठीक है जी अब दूसरी बात ये भी एक लाइन है ये क्या है y एक्सिस के पैरेलल अब आपको बात समझाता हूं इन इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है याद है हम लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ते थे उसमें टेस्टिंग पॉइंट 0 0 डालते थे तो वही करना पड़ेगा आप जरा ध्यान से देखना आपका पहला कर्व है ये वाला इसमें आप टेस्टिंग पॉइंट 0 0 डालो y की जगह 0 डालेंगे क्या 1 0 से बड़ा होता है तो एक बात है यानी कि इस कर्व से पूरा नीचे का एरिया टुवर्ड्स द ओरिजिन और पॉजिटिव होना चाहिए यानी कि इससे भी नीचे का एरिया ये सब समझ में आ रही हो इसमें भी 0 0 डालो ये भी ट्रू है यानी कि लाइन से भी नीचे का एरिया लाइन से भी नीचे का एरिया इस लाइन से नीचे का एरिया अब एक बात आइए इसमें डालेंगे तो इस लाइन के लेफ्ट साइड वाला बच्चा गलती से छोटे वाला एरिया निकाल गया तो देखो इस लाइन से नीचे का एरिया कर्व से नीचे के एरिया में कॉमन क्या है कर्व से नीचे का एरिया कॉमन है ना तो हमें एरिया जो निकालना है ये आएगा ओ ए बी सी इसको ओ की जगह एरिया छोड़ देंगे ए बी सी ओ डी ऐसे ले लो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है मैं यहां लिख रहा हूं O C B A D O ठीक है लेकिन यहां एक समस्या आई यहां मैं एक परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा क्यों खींचना पड़ेगा क्योंकि जब मैं यहां स्ट्रिप रखूंगा एक बार तो स्ट्रिप किस पे रहेगी पैराबोला यहां पैराबोला इस स्ट्रिप का एरिया आएगा Y P D A लेकिन जैसे ही स्ट्रिप इधर आएगी जरा ध्यान से देखना ये स्ट्रिप कहां है लाइन पे ये स्ट्रिप किस पे है लाइन y और dx आएगा क्लियर है तो आपका जो रिक्वायर्ड एरिया यहां से आप निकाल लेंगे दैट इज रिक्वायर्ड एरिया इज 0 टू पैराबोला में कहां से कहां जाएगी 0 से 1 तक जाएगी दूसरा 1 से लेके 2 पे कहां जाएगी लाइन तो पैराबोला में y की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर प्लस 1 और 1 से लेके 2 तक लाइन कितनी दे रखी है x प्लस 1 तो
करो इंटीग्रेट भाई, x cube by 3 plus x 0 to 1, यह आएगा x plus 1 का square by 2, 1 से लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर यहाँ 1 डालूँगा तो 1 by 3 plus 1 ही आएगा, cos minus 0, यहाँ 2 डालूँगा तो कितना आएगा, 9 by 2 आएगा, 2 plus 1 3 आएगा ना, और minus 4 by 2, भाई इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना देगा 4/3, ये कितना देगा 5/2, एलसीएम कितना आ गया 6, 3 2 जा 6 8 23/6 स्क्वायर, समझ में आ गया।